आज आदिवासियों के लिए बहुत ही दुखद दिन है और आज के दिन में 20 अगस्त को आज चेन्नई में एक आदिवासी लड़की सुजाता मुर्मू एक मुस्लिम युवक के साथ शादी कर रही है। शादी एक व्यक्तिगत मामला है, आदिवासी सुरक्षा परिषद इस पर हस्तक्षेप नहीं करना चाहती है, लेकिन चूंकि आरक्षण के बल पे वो नौकरी कर रही है और शादी के बाद पूरा नौकरी का लाभ गैर आदिवासियों को मिलेगा और ये ऐसा घटना पूरा राज्य और देश में हो रहा है जिससे आदिवासियों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। इसलिए आदिवासी सुरक्षा परिषद बार बार ये मांग करता है कर रहा है कि अंतर्जातीय विवाह के बाद ना उसको चुनाव लड़ने का अधिकार मिले, ना ही नौकरी करने का अधिकार मिले, ना आदिवासी के नाम पे जमीन खरीदने का। इसके कारण आदिवासी अस्तित्व आज खतरे में है। आदिवासी सुरक्षा परिषद इस सुजाता मुर्मू और मुस्लिम युवक को आधार बना करके हम लोग रांची हाईकोर्ट में PIL दायर करने जा रहे हैं और हम सभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी पार्टी के माननीय नेताओं से आग्रह करेंगे, आदिवासी लीडरों से आग्रह करेंगे कि इस मुद्दे पर सामने आए ताकि हम लोग एक बड़ा जो समस्या है आदिवासियों का उसका हम लोग निजात पा सके। यही उद्देश्य के साथ हम लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेंगे।